वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। वेल, ब्रांड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इनके दाम जरूर ज्यादा होते हैं, लेकिन ये अपने साथ कंफर्ट, क्वालिटी और क्लास लेकर आते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ब्रांड की अपनी एक अलग रॉयल्टी है और उसे पहनने वाले की पहचान भी भीड़ में सबसे अलग होती है। अब अगर आप भी उनमें से एक है जिनके लिए ब्रांड बहुत कुछ बोलता है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। आज हम आपको भारत में मशहूर कुछ ऐसे महंगे क्लोथिंग ब्रांड से रूबरू कराने वाले हैं, जो अपने कस्टमर्स को ट्रेंडी एंड स्टनिंग लुक देने का वादा करते हैं, लेकिन इन्हें अफोर्ड कर पाना भी एक लग्जरी है। नंबर 10, ग्लोबस। मुंबई के इस फैशन ब्रांड के स्टोर भारत में भले ही कम है, लेकिन ट्रेंडी फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में ग्लोबस का नाम काफी ऊंचा है। साल 2007 में खुद करीना कपूर ग्लोबस की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। इस ब्रांड की यूएसपी है कि ये यंग जनरेशन के लिए फैशनेबल अटायर काफी अफोर्डेबल दामों में डिजाइन करने की कोशिश करता है। इंडियन से लेकर वेस्टर्न वेयर में ये काफी डिफरेंट और यूनिक आउटफिट अपने ग्राहकों के लिए बनाता है। ग्लोबस की टारगेट ऑडियंस आज की पीढ़ी है, जो सभी प्रोडक्ट्स में वैरायटी खरीदना पसंद करती है। लेकिन यहाँ से शॉपिंग करने से पहले जान ले कि ग्लोबस में एक कैजुअल मेन शर्ट की कीमत कम से कम 1200 रुपए रहती है। नंबर 9, बीबा। पहनावे में जब भारतीय ट्रेडिशन, एलिगेंस और मॉडर्निटी का तड़का लगाना हो, तो बीबा से बेहतरीन डिजाइनर ब्रांड महिलाओं के लिए नहीं मिल सकता। मौका चाहे त्योहार का हो या फिर खास दोस्त की शादी का, ये अनोखा ब्रांड हमेशा कुछ नया अपने कस्टमर्स के लिए परोसता है। इसीलिए बात जब कंटेम्प्रेरी स्टाइल, स्टाइलिश पैटर्न्स और सूदिंग कलर्स की आती है, तो सबसे ज्यादा भरोसा बीबा पर दिखाया जाता है। फैशन को रीडिफाइन करने वाले इस ब्रांड के कलेक्शन पर आए तो इसमें आपको ट्रेंडी सलवार, कमीज, दुपट्टे से लेकर फैशनेबल बॉटम तक सब कुछ मिल जाता है। वैसे बता दे कि खास तौर पर इसके मिक्स एंड मैच कुर्ती कलेक्शन को काफी पसंद किया जाता है। भारतीय बाजार में बीबा की सिंपल कुर्ती की प्राइस रेंज 1000 से 2000 के बीच रहती है, और अगर आप फेस्टिव कपड़े खरीदते हैं तो ये दाम काफी बढ़ जाते हैं। हालांकि ये ब्रांड थोड़ा महंगा है, लेकिन स्टाइलिश लुक और कंफर्ट पसंद करने वाली यंग जनरेशन के लिए ये परफेक्ट है। नंबर 8, इंडियन टेरेन। एक्सपेंसिव ब्रांड्स की बात हो और भारत के फैशनेबल मेंस वेयर, इंडियन टेरेन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लोथिंग दैट मेक्स यू फील गुड की फिलॉसफी पर काम करने वाले इस ब्रांड को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल क्लोथ्स बनाने के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के उन चुनिंदा ब्रांड्स में से एक है जो सस्टेनेबल क्लोथ्स को प्रमोट करता है, मगर साथ ही स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट्स भी बनाता है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो यकीन मानिए, इस ब्रांड की जीन्स, जैकेट और शर्ट्स को आप अपने वार्डरोब का हिस्सा जरूर बनाना चाहेंगे, पर इसके लिए आपको बजट थोड़ा हाई रखना होगा, क्योंकि इंडियन टेरेन की एक कैजुअल शर्ट भी आपको लगभग 1200 से 3000 रुपए की प्राइस रेंज में मिलेगी। नंबर 7, मुफ्ती। मुफ्ती ब्रांड मिलेनियल जनरेशन के वार्डरोब का अहम हिस्सा रहा है। 90s के दशक से ही इस ब्रांड ने कैजुअल वेयर की कैटेगरी में काफी स्टाइलिश फैशन को इंट्रोड्यूस किया है। एक समय था जब इस ब्रांड को केवल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी भी बड़े ही शान से पहनते थे। आज भी मार्केट में इसका अलग नाम है और मुफ्ती का फैशन टाइम के साथ काफी इवॉल्व भी हुआ है। आपको इसकी कैजुअल शर्ट्स में काफी वैरायटी देखने को मिलेगी। वैसे बता दे कि इसकी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर यंग फैशनेबल बैचलर्स रहते हैं। अगर आप भी इस ब्रांड को ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी एक शर्ट के लिए 1000 से 3000 रुपए तक खर्च करने होंगे। नंबर 6, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड का नाम सुनकर अगर आप भी इसे फॉरेन ब्रांड समझने की गलती कर बैठे हैं, तो बता दे कि ये ब्रांड पूरी तरह देसी है। मेंस वेयर वर्ल्ड में पीटर इंग्लैंड कोई नया प्लेयर नहीं बल्कि पुराना खिलाड़ी है। ये स्टाइलिश ब्रांड कई सालों से जेंटलमैन्स की पसंद रहा है। कमाल की बात है कि विदेशी समझने वाले इस ब्रांड को केवल भारत ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी काफी पसंद किया जाता है। खास तौर पर इसकी डेनिम्स की विदेशों में भारी डिमांड है। वही भारत में पीटर इंग्लैंड के फेस्टिव वेयर कलेक्शन में इंडीज कुर्ताज और नेहरू वेस्ट कोट और शेरवानी को भी बेचा जाता है। वैसे अगर आप इस ब्रांड से फॉर्मल शर्ट भी खरीदते हैं तो इसके लिए आपकी जेब में 2 से 3 हजार रुपए तो होने ही चाहिए। नंबर 5, एंड। अगर आप वर्किंग क्लास है और बेहद ही कंफर्टेबल येट स्टनिंग आउटफिट कैरी करने में विश्वास रखते हैं, तो एंड ब्रांड आपके लिए ही बना है। ये वुमेन सेंट्रिक ब्रांड फीमेल फैशन वर्ल्ड में काफी पॉपुलर है। वैसे एंड जितना एक्सपेंसिव है, उतने ही वाइड वैरायटी में वुमेन को चॉइस प्रोवाइड कराता है। इसके वन पीस की कीमत भले ही 2100 रुपए से शुरू होती हो, लेकिन इनके पास आपके सभी आउटगोइंग ओकेशंस के लिए आउटफिट्स मिल जाते हैं।
मौका चाहे फ्रेंडली पार्टी का हो या पजामा पार्टी का, इनके सभी कपड़ों में एक क्लास झलकती है और आपके फैशन गेम का लेवल अप कर देती है। नंबर 4, रेमंड्स। सूट, कोट, ब्लेजर की बात हो तो सबसे पहला नाम रेमंड का आता है। हालांकि रेमंड सूट्स हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा इस एक्सपेंसिव ब्रांड को जानता है। ये भारत के सबसे पुराने और ट्रस्टेड ब्रांड्स में से एक है। इसके अलावा विदेशों में भी रेमंड का अपना एक अलग स्वैग है। जब बात सूटिंग फैब्रिक की आती है तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। सालों से भारत में काम कर रहे इस ब्रांड का क्लॉथ फैब्रिक वक्त के साथ और भी प्रीमियम क्वालिटी का होता गया है। यही वजह है कि इसके सस्ते से सस्ते सूट की कीमत हजारों में होती है। और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी वाले सूट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जेब जरूरत से ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। नंबर 3, मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो भारत के सबसे मशहूर ब्रांड में से एक है। अब इसे इटालियन समझकर शौक से खरीदने वाले ग्राहक तो कई है, लेकिन इंटरनेशनल इमेज रखने वाले ये ब्रांड पूरी तरह से देसी है। इसकी शुरुआत 1984 में भारत के लुधियाना से हुई थी और आज ये देश के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड की लिस्ट में शुमार है। हालांकि इसके वूलन वेयर गार्मेंट कलेक्शन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन ये मैन, वुमेन और किड्स कैटेगरी में टॉप, टीज, डेनिम्स, ट्राउजर्स, ड्रेसेस, शॉर्ट्स, ट्यूनिक्स, स्पोर्ट्स वेयर, टी शर्ट्स और शर्ट्स के डिजाइनर कलेक्शन भी निकालता है। सालों से इंडियन मार्केट में अपनी जगह बरकरार रखते हुए इस ब्रांड ने हाई स्ट्रीट फैशन को काफी हद तक लेवल अप किया है। तभी तो मेंस वेयर में इसके क्लासी डिजाइन्स को कस्टमर से काफी प्यार मिलता है और वो हजारों के दाम में भी इसे खरीदने को राजी रहते हैं। नंबर 2, फैब इंडिया। अब आते हैं उस ब्रांड पर जिसने दशकों से कंफर्ट के साथ अपने कलेक्शन में इंडियन आर्ट और कल्चर को जिंदा रखा है। हम बात कर रहे हैं फैब इंडिया की। भारत में अगर बीबा अपने कंटेम्प्रेरी इंडो वेस्टर्न लुक को लेकर पॉपुलर है तो फैब इंडिया को ग्राहक उसके ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए पसंद करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अनोखे ट्रेडिशनल कारीगरी के साथ इजी वेयर, लाइट कॉटन पहनना पसंद करते हैं तो फैब इंडिया आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अब परफेक्ट इसलिए क्योंकि ये देश का सबसे सस्टेनेबल ब्रांड है। फैब इंडिया आज भी क्वालिटी के साथ ट्रेडिशनल टेक्निक और स्किल्स से अपना प्रोडक्ट बना रहा है ताकि भारतीय संस्कृति की छाप बरकरार रह सके। इस ब्रांड के कलेक्शन में आपको ट्रेडिशनल पैटर्न और प्रिंट के साथ बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलता है। आप बस यहाँ शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड ले जाना जरूर याद रखें, क्योंकि इस ब्रांड में एक सबसे सस्ता कुर्ता भी लगभग 1200 रुपए से शुरू होता है। नंबर 1, मान्यवर। शादी सगाई के फंक्शंस के लिए सबसे महंगे और डिजाइनर आउटफिट्स बनाने वाले ब्रांड्स में मान्यवर बाजी मार लेता है। खुद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। हाल ही के सालों में एथनिक वेयर ब्रांड्स के बीच ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनकर उभरा है। शानदार शेरवानी से लेकर क्लासिक कुर्ता तक मान्यवर का कलेक्शन काफी बड़ा है। हालांकि इसकी शुरुआत एक मैन ब्रांड के तौर पर हुई थी, लेकिन अब बच्चों से लेकर वुमेन तक के लिए ये कई डिजाइनर आउटफिट्स बनाते हैं। आप अपनी शादी के सभी फंक्शंस की शॉपिंग भी इस ब्रांड से कर सकते हैं। इसके अलावा फेस्टिव सीजन के लिए भी आप मान्यवर के फेस्टिव कलेक्शन को खरीद सकते हैं। बस इसके दाम जरूर जान ले। जी हाँ जनाब, मान्यवर के एक मैन कैजुअल कुर्ते की कीमत भी 1000 से लेकर 8000 रुपए की रेंज में है और फेस्टिव शेरवानी की औसत कीमत 12 से 30 हजार रुपए तक होती है। तो ये थे भारत के कुछ सबसे महंगे ब्रांड्स जो अपनी क्वालिटी, कंफर्ट और क्लासी डिजाइन के लिए पॉपुलर है, लेकिन रियलिटी है कि हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बस जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।